हम सब के पास एक पर्सनल टैंक है। समझ में नहीं आया, ये देखिए पिक्चर में दिखा रहा हूं। यस, पर्सनल टैंक। किसी किसी के पास तो टैंक नहीं, टैंकर है। जोक सपाट। तो ये जो टैंक है हम लोगों का पर्सनल टैंक, ये बहुत बार बिगड़ जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है। और ये पेट क्यों खराब होता है? जब हम लोग इसके साथ कुछ गलत करते हैं, मतलब गलत कुछ खाते हैं, कुछ गोलमाल करते हैं। सेम हम लोगों का जो एक्वेरियम है, हम लोगों का एक्वेरियम का पानी का पैरामीटर भी बिगड़ता है और एक्वेरियम का पानी क्लाउडी हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को और एक बार अशोक अक्वा में वेलकम। और आज हम लोग बात करेंगे द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टॉपिक कि एक्वेरियम का पानी क्यों क्लाउडी हो जाता है। मैं रीजन बताते जाऊंगा एक एक करके, बहुत सारा पार्ट है वो मैं बताते जाऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप लोग गलतियों को समझते हुए जाएंगे तो आपका जो वो टेंशन है ना क्लाउडी वाटर लेके, वो दूर होता जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में जाने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो मेरे पुराने दोस्त है वो जरूर कॉमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से, मतलब हम लोग एक नया एक्वेरियम लाए या फिर हम लोग पूरा एक्वेरियम साफ करके नया पानी डाले, एकदम फ्रेश पानी, फ्रेश वाटर, और देखा कि एक्वेरियम का पानी कुछ देर में पूरा क्लाउडी हो गया। नया पानी डाला, फ्रेश पानी डाला, फिर भी पूरा पानी क्लाउडी हो गया, ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, एक बात हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब तक एक्वेरियम में बैक्टीरिया सही से ग्रो नहीं करेगा, जब तक बैक्टीरिया लेवल बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप फिश मत छोड़िए, फिश मत ऐड कीजिए। द सेम रीजन कि आप अगर आपका पास नया एक्वेरियम है, आपने उसमें पानी डाला, या फिर आपके पास पुराना एक्वेरियम है और आपने मैक्सिमम वाटर को क्लीन करके फिर नया वाटर दिया और कुछ देर में वो क्लाउडी हो गया, दैट्स मीन कि उसमें बैक्टीरिया सही से बैलेंस नहीं हुआ है। तो कुछ देर में जैसा वो बैक्टीरिया बैलेंस होना शुरू करेगा, आप फिल्टर वगैरह ऑन कर दीजिएगा, धीरे धीरे आपका पानी क्लीन हो जाएगा। तो जो नए एक्वेरियम करने वाले हैं या कर रहे हैं और ये सेम प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो टेंशन फ्री हो जाइए, एक दो दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसा इस वीडियो के शुरू में मैं बताया कि हम लोग अगर अपने पेट के साथ कुछ गलत करते हैं, मतलब गलत सलत खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो पेट खराब होता है। तो सेम अपने एक्वेरियम में अगर ज्यादा खाना दे देते, फिश को जितना चाहिए उससे ज्यादा खाना अगर हम लोग छोड़ देते हैं और फिश जितना खाया खाया, बाकी लेफ्ट ओवर खाना वहीं पे गिरा रहा, वहीं पे डिकम्पोज हुआ, तो उससे भी पानी क्लाउडी होता है। ये शायद एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जो वेस्टेज फूड है वो वहां रहते रहते वो सड़ते सड़ते आपके पानी को भी सड़ा देगा। तो इसके लिए जब भी खाना दीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट का काम है, थोड़ा सा वहां एक्वेरियम के सामने खड़ा रहिए और जितना फिश खा रहा है उतना दीजिए, वो खा लिया तो थोड़ा फिर उतना दीजिए, फिर खा लिया फिर दीजिए, काम खत्म। लेकिन हम लोग बहुत बार करते हैं क्या, ऐसा एक ढक्कन लेते हैं जो फूड का कंटेनर का होता है, वो ढक्कन में खाना डालते हैं और सीधा एक्वेरियम में, बस हो गया काम खत्म और हम लोग चले गए दूसरे काम पे। लेकिन वो फिश पूरा खाना क्या खा पाया, या फिर मैक्सिमम फूड जो जाके नीचे जो डेकोरेशन रॉक्स वगैरह दिया रहता है, स्टोन्स वगैरह दिया रहता है, उसके अंदर जाके घुस गया, वो हम लोग बहुत बार देखते नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन आपका एक्वेरियम का पानी क्लाउडी हो रहा है। एक्वेरियम लाइट और सनलाइट का एक बड़ा पार्ट है वाटर क्लाउडी होने के पीछे। यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके घर में 12 से 14 घंटा एक्वेरियम का लाइट ऑन रहता है, तो इससे भी पानी क्लाउडी हो सकता है। यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन। आप एक्वेरियम का जो लाइट है वो 4, 6, 8 घंटा मैक्सिमम ऑन रखिए, उससे ज्यादा बिल्कुल मत रखिए, ये एक रीजन हो सकता है। एंड द सेकेंड रीजन, आप देखिएगा आपका जो एक्वेरियम है
उसमें क्या डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, मतलब अगर वो पानी में डायरेक्ट सनलाइट लग रहा है, वो एक्वेरियम में डायरेक्ट सनलाइट टच कर रहा है, तो हो सकता है वो सनलाइट के वजह से भी पानी ग्रीन या क्लाउडी हो जाए। तो ये दो रीजन को अच्छे से समझ लीजिए, लाइट्स को थोड़ा कम ऑन रखिए और सनलाइट से अपने एक्वेरियम को थोड़ा सा दूर में रखिए, सनलाइट डायरेक्ट एक्वेरियम में जाना नहीं चाहिए। अभी का जो पॉइंट है ये एक बेसिक पॉइंट है और लगभग कभी ना कभी हम लोग ये कर चुके हैं, वो पॉइंट है नेग्लिजेंस। यस, जब नया नया फिश आता है तो हम लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं और जैसे वो पुराने होते जाते हैं तो वाटर क्लीन करना जो हम लोग एक वीक में 2 टाइम करते थे वो वीक में 1 टाइम हो जाता है, उसके बाद 10 डेज में 1 टाइम हो जाता है, उसके बाद 15 डेज में 1 टाइम हो जाता है, उसके बाद महीना निकल जाता है, हम लोग भूल जाते हैं एक्वेरियम का पानी चेंज करना जरूरी है। तो ये नेग्लिजेंस हम लोगों में ग्रो करता है दोस्तों, थोड़ा सा करवा है लेकिन है बिल्कुल सच। और ऐसा भी होता है, एक्वेरियम का पानी तो छोड़ दीजिए, कभी कभार हम लोग अपने फिश को खाना देना भी भूल जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि प्रॉपर वाटर चेंज टाइमली नहीं होता है। और उसी के साथ और एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगा, फिल्टरेशन। आप जो फिश रख रहे हैं, आप जितना अपने एक्वेरियम को कंजेस्टेड कर रहे हैं, जितना डेकोरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके का खाना दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो फिल्टरेशन जरूरी है वो हो सकता है 2 स्पॉन्ज फिल्टर से काम हो जाए, या फिर आपको कैनिस्टर लगाना पड़े, या फिर आपके एक्वेरियम के हिसाब से आपको सम करना चाहिए था लेकिन आपने 2 स्पॉन्ज फिल्टर 1 टॉप फिल्टर लगा के छोड़ दिया है, जिसके वजह से वाटर का पैरामीटर गोलमाल हो रहा है और आपका पानी जल्दी क्लाउडी हो जा रहा है। आप सोच रहे हैं मैं तो वाटर क्लीन कर रहा हूं टाइमली, फिर भी क्यों हो रहा है? तो बहुत बार होता है प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं होने के वजह से भी आपका पानी क्लाउडी होता है। ओवरस्टॉक इज वन ऑफ द रीजन कि आपका पानी ज्यादा गंदा हो जा रहा है, मतलब ज्यादा क्लाउडी हो जा रहा है। क्या होता है, कभी कभार हम लोग जब एक्वेरियम लाते हैं तब शायद 2-3 फिश लाते हैं, लेकिन उसके बाद ओवर द टाइम ओवर द पीरियड हम लोग फिश ऐड करते जाते, लेकिन उस वक्त हम लोग ये सोचते नहीं है कि जितना खाना पहले देता था उससे अब ज्यादा खाना देना पड़ रहा है। फिश जितना वेस्ट या पॉटी निकालता था उससे कहीं ज्यादा अभी पानी गंदा कर रहा है। हम लोग क्या उसके हिसाब से वाटर चेंज का जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसको चेंज किया? हमने जो इतना फिश बढ़ा दिया, इतना खाना भी इंक्रीज कर दिया, तो खाना भी बढ़ गया है, टैंक का लोड भी बढ़ गया है, उसके हिसाब से फिल्टरेशन कुछ इंक्रीज किया या फिल्टरेशन में कुछ चेंजेस किया, उसको थोड़ा और पावरफुल किया? शायद नहीं किया। और अगर ये शायद नहीं किया सच है तो ये भी सच है, आपका एक्वेरियम का पानी गंदा होगा, क्लाउडी होगा। लास्ट पॉइंट लेके बात करूंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर सही में अशोक एक्वा का चैनल, अशोक एक्वा हमारे टीम के मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके हम लोगों को जरूर सपोर्ट कीजिए। और आने वाले दिनों में आप लोग क्या क्या वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। और एक चीज है, बहुत सारे दोस्त फोन करते हैं कि आपके पास क्या क्या वैरायटी है वो मुझे देखना है, क्योंकि हम लोग एट अ टाइम 70-80 डिफरेंट फिश रखते हैं। तो आप लोग हमारे वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों के पास कितना वैरायटी है। यहाँ पे फिश गैलरी है, या फिर आपको फूड और मेडिसिन एक्सेसरीज चाहिए तो भी आप लोग ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं। और एक न्यूज देना चाहूंगा दोस्तों, अशोक एक्वा बांग्ला हम लोगों का ये बंगाली चैनल है। बहुत सारे दोस्त है जो शायद हिंदी का बहुत सारा टर्म समझ नहीं पाते, तो बंगाली चैनल है बांग्ला चैनल, ওখানে গিয়ে ওই চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ওখানেও আপনারা অনেক প্রয়োজনীয় ভিডিও পাবেন। তো চলতে হ্যায় লাস্ট পয়েন্ট পে, লাস্ট পয়েন্ট হে দ্য ওয়াটার কোয়ালিটি। মে বহুত বার বহুত ভিডিও মে মেরা বতা চুকা হুম, মেইন গেম পানি কা হে, মতলব ওয়াটার কা। আপ লোক আচ্ছা ফিশ ডালে, ফিশ কে লিয়ে জিতনা বড়া একুয়ারিয়াম থা উতনা বড়া একুয়ারিয়াম দিয়া,
फिल्ट्रेशन एकदम टाइट किया, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आप अपने एक्वेरियम को फिल किया जो वाटर से, शायद वो बोरिंग का वाटर है या फिर वो वाटर में आयरन बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से भी हो सकता है आपका एक्वेरियम का पानी बहुत जल्दी क्लाउडी हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चेक कीजिए, और इसके साथ साथ पिछला जो जो भी मैं पॉइंट्स बोला वो सबको चेक कीजिए। आई होप आपका जो ये क्लाउडी वाटर का प्रॉब्लम था ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन फिर आएंगे नए किसी वीडियो नए किसी टॉपिक के साथ। टिल देन सबाई खूब भालो थाकबेन, आर निजेर माछदेर अवश्य भालो राखबेन। नमस्कार।